कन्नौज रेप कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी नवाब और पीड़िता की बुआ के बीच संबंध थे। एसपी अमित कुमार आनंद ने यह बड़ा खुलासा किया है। नवाब सिंह और बुआ के बीच 6 साल से संबंध है। एसपी ने दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन का भी खुलासा किया है और पीड़िता के भाई को रुपयों का लालच देकर बयान बदलने के लिए भी कहा था। एसपी अमित कुमार आनंद ने किया है नवाब सिंह यादव मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने आज सुबह ही आरोपी बुआ को गिरफ्तार किया है और भी अब कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा, आरोपी नवाब सिंह और बुआ के बीच पिछले 6 साल से संबंध थे। तो दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन का भी खुलासा हुआ है, कई और खुलासे होते जा रहे हैं। पीड़िता के भाई को बयान बदलने के लिए भी कहा था, ये एसपी ने खुद बताया है। कन्नौज रेप कांड में बड़े खुलासे अब धीरे धीरे सामने आ रहे, क्योंकि बहुत दिनों से तलाश की जा रही थी आरोपी बुआ की, क्योंकि फरार थी आरोपी बुआ उसी दिन से, और उसके बाद जगह जगह तलाशी ली जा रही थी। आज सुबह 5 बजे करीब गिरफ्तार किया गया, अपनी माँ के पास पहुंच रही थी ये बुआ, और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया उसके बाद कड़ाई से जब पूछताछ की है तो तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं कि आरोपी नवाब सिंह के साथ बुआ के संबंध थे। 12 अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे कॉल आई थी, जिसमें लड़की ने बताया था कि उसका टॉप उतार दिया गया और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पे यूपी 112 और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया। उसने टॉप नहीं पहना हुआ था। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक अवस्था में पाया गया, जहां उसे पकड़ा गया। थाना कन्नौज पुलिस पे तत्काल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2024 को जेल भेजा गया। तत्समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी। शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग करी थी, मुकदमा भी लिखाने आए थे। जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पे ये विघ्न डालने लगे और सहयोग करने लगे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता आए तो उन्होंने ये भी बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी, इन लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी इन पर आरोप लगाए। जब इनको पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया तो ये फरार हो गई। तब से ये लगातार वांछित चल रही थी। इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें लगी हुई थी। दिल्ली NCR एरिया में इनकी सर्च की जा रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए आई है। सूचना पे आज थाना कन्नौज पुलिस द्वारा तिरवा क्षेत्र अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि ये नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती थी, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फ़ोन करके बुलाया था, तब इसने बताया था कि ये लखनऊ में है और इनके साथ इनकी भतीजी, तब भी इनको बुलाया गया। ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के कॉलेज पहुंचे थे, जहां पे ये